जलेबी बनाने के लिए एक कटोरी मैदा ली हूँ, एक कटोरी में ली हूँ और इसमें एक कटोरी शक्कर ली हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। अभी सुबह के 10 बज गए हैं और बच्चे जिद कर रहे हैं, ये इनका खिलौना टूट गया है उसको बनाने के लिए। चलिए बना देते हैं। हम इसको बनाने वाले हैं, देखो पूरा तोड़ के रख दिए बच्चे इसको। इसको बनाने वाले हैं हम लोग, फटाफट बनाते हैं। इसको बनाएंगे, चलिए बनाओ ना। अच्छे से बनाना मामा। ये बन गया, ये तो मैंने बनाई, सारा खराब हो गया था उसको फिर से बना दी मैंने। तो थैंक यू। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के तो जान ही गए होंगे कि आज कौन सी वीडियो आने वाली है, फिर भी बता दें, बच्चों का डिमांड था जलेबी बनाने के लिए, तो मैं आज घर पे जलेबी बनाने वाली हूँ। क्योंकि जहाँ से हम लोग खरीदते हैं वहाँ दुकान बहुत टाइम से बंद हो गया है, क्योंकि शायद दुकान बंद है, पता नहीं क्यों बंद है, तो मिल नहीं रहा है। बच्चे लोग बहुत टाइम से बोल रहे हैं जलेबी जलेबी कहकर। चलिए मैं आज घर पे ट्राई करती हूँ, कैसे बनेगा बताइएगा ज़रूर। चलिए चलते हैं, चलिए जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं। जलेबी बनाने के लिए एक कटोरी मैदा लिए हैं यहाँ पास, और चाशनी के लिए ये है शक्कर, एक कटोरी लिए हैं, एक ही कटोरी में नाप करके लिए हैं, एक कटोरी में नाप करके लिए हैं। इलायची है, एक इलायची डालूँगी उसमें, और मैदे के साथ इनो डालूँगी, एक पैकेट इनो है, और अनेक घी डालूँगी, ये अनेक घी है, अनेक घी डालूँगी। फिर इसको सारा मिक्स करूँगी अच्छे से, जैसे मोयम करते हैं वैसे ही सारा मिक्स करना पड़ता है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें एक कटोरी पानी ली हूँ, उसी कटोरी में ले रही हूँ पानी, और धीरे धीरे करके पानी डाल के इसको अच्छे से आटा गूँथूँगी, इसके बबल्स ख़त्म हो जाए, ऐसे अच्छे से फेंटना है। देखो रेडी हो गया हमारा ये, और बनने के लिए एकदम रेडी है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, एकदम बहुत अच्छे से हुआ है। हम चाशनी को भी बना लेते हैं, इसमें एक पानी डालते हैं। ये देखिए चाशनी भी उबलना स्टार्ट हो गया, गर्म हो गया है, उबलेगा उसके बाद हम इसको नीचे पलट देंगे, फिर जलेबी बनाना स्टार्ट करेंगे। जलेबी बनाने के लिए मैं ये इस तरीके का पन्नी ले रही हूँ, आपके पास अगर साँचा वगैरह होगा बनाने के लिए तो ले सकते हैं, पर मेरे पास नहीं है तो ये वाला पन्नी ले रही हूँ मैं। तो यहाँ से मैं इसको काट दूँगी और इसको अच्छे से वो कर लेती हूँ, पहले इसको साइड से निकालती हूँ, साइड से काट लेती हूँ इसको, ऐसे पीछे से, इसको पीछे का भाग थोड़ा ज़्यादा लंबा है, उसी को अच्छे से ऐसे काट, बराबर काट लेती हूँ उसको। उसके बाद साइड से कटिंग कर देंगे, ये हो गया। अब इसको इस तरीके से करके हम ऐसे कोने से ऐसे करके रखेंगे, इसी में हम फिर मैदे का जो पेस्ट बनाया है उसको डाल के जलेबी बनाएंगे। तो हम इस गिलास में ऐसे कर देते हैं,
ये दोस्तों हमारा जलेबी बन के तैयार है। इसका सेप अच्छा नहीं बना बट खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।